स्वैग के लिए जानी जाती है। तो स्वैग वाली जगह पर ही हम मौजूद हैं, जो है कनॉट प्लेस, जो कहलाता है दिल्ली का दिल। अब दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली चुनावों पर लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। सीधा बाइक पे रिपब्लिक बाइक वाली रिपोर्टर आ चुकी है कनॉट प्लेस में। चलिए आइए दिल्ली का दिल टटोलने की कोशिश करते हैं। और कनॉट प्लेस में इस वक्त लोग कई मौजूद हैं जो यहाँ पर टहलने आते हैं, खाने पीने आते हैं। दिल्ली चुनाव के दस्तक हो चुकी है और अब 8 फरवरी को दिल्ली वोट डालने जा रही है। क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? इस बार तो बीजेपी आएगी, क्योंकि आप क्यों बहुत सारे काम किए हैं सेंटर में रह के। आम आदमी पार्टी क्यों? बड़ी आदमी है। पर वजह भी तो बताइए। पानी बिजली फ्री किया तो इसीलिए बढ़िया है। तो आपको नहीं लगता फ्री की पॉलिटिक्स है, सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए हो रहा है? नहीं है बिल्कुल। आप वोट देते हैं दिल्ली में? यस सर। ठीक है, क्या किसे पसंद करते हैं? अरविंद केजरीवाल को। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं पानी में बिजली में। ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल बीते 4 साल से चुप बैठे थे और 1 साल में बहुत ज्यादा काम को बढ़ा दिए? नहीं, पानी का बिल तो पहले से फ्री है मैम। तो आपको लगता है वापसी होगी? हाँ जी वापसी होगी। आप वोट करते हैं? हाँ। तो इस बार क्या दिल्ली में किसकी सरकार? मैं तो वोट एपी को करूंगा वैसे। आपको? हाँ आप। क्यों, क्या काम किया उन्होंने? ऐसे एजुकेशन सेक्टर में और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बेटर लगती है। मैम आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं दिल्ली को इस बार इन चुनावों से? लॉट ऑफ होप्स आर देयर, बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर भी एक गृहिणी के तौर पर, एक महिला के तौर पर जब आप बाहर निकलते हो, आप सोचते हो कि गवर्नमेंट होनी चाहिए तो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। राइट, सो आई थिंक दिल्ली में बहुत कुछ पहले से अच्छा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो प्रॉब्लम था, मैं पालम में रहती हूँ और वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत सालों से था, सिंस माई मैरिज। तो स्वैग वाली जगह पर ही हम मौजूद हैं, जो है कनॉट प्लेस, जो कहलाता है दिल्ली का दिल। अब दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली चुनावों पर लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। सीधा बाइक पे रिपब्लिक बाइक वाली रिपोर्टर आ चुकी है कनॉट प्लेस में। चलिए आइए दिल्ली का दिल टटोलने की कोशिश करते हैं। और कनॉट प्लेस में इस वक्त लोग कई मौजूद हैं जो यहाँ पर टहलने आते हैं, खाने पीने आते हैं। दिल्ली चुनाव के दस्तक हो चुकी है और अब 8 फरवरी को दिल्ली वोट डालने जा रही है। क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? इस बार तो बीजेपी आएगी, क्योंकि आप क्यों बहुत सारे काम किए हैं सेंटर में रह के। आम आदमी पार्टी क्यों बड़ी आदमी है। पर
सर पर वो वजह भी तो बताइए। पानी बिजली फ्री किया तो इसीलिए बढ़िया है। आपको नहीं लगता फ्री की पॉलिटिक्स है, सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए हो रहा है? नहीं है बिल्कुल। आप वोट देते हैं दिल्ली में? यस सर। ठीक है, क्या किसे पसंद करते हैं? अरविंद केजरीवाल को। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं पानी में बिजली में। ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल बीते 4 साल से चुप बैठे थे और 1 साल में बहुत ज्यादा काम को बढ़ा दिए? नहीं, पानी का बिल तो पहले से फ्री है मैम। तो आपको लगता है वापसी होगी? हाँ जी वापसी होगी। आप वोट करते हैं? हाँ। तो इस बार क्या दिल्ली में किसकी सरकार? मैं तो वोट एपी को करूंगा वैसे। आपको? हाँ आप। क्यों, क्या काम किया उन्होंने? ऐसे एजुकेशन सेक्टर में और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बेटर लगती है मैम। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं दिल्ली को इस बार इन चुनावों से? लॉट ऑफ होप्स आर देयर, बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर भी एक गृहिणी के तौर पर, एक महिला के तौर पर, जब आप बाहर निकलते हो, आप सोचते हो कि गवर्नमेंट होनी चाहिए तो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? राइट। सो आई थिंक दिल्ली में बहुत कुछ पहले से अच्छा हुआ है।